श्री शिवलाल ने श्री लफंगे पर यह दावा किया कि इन्होंने अपने घर की संडास पब्लिक के पैसों से बनवाई। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत जगह बनवाई। लेकिन श्री लफंगे ने एक एक ईंट की रसीद दिखलाई, जिस पर श्री शिवलाल को अपना दावा वापस लेना पड़ा। फौरन वापस लेना पड़ा। वो मैडम, इस फाइल में फौरन शब्द का मौजूद होना बहुत जरूरी है। तो लफंगे, मैंने अपना दावा वापस ले लिया, ये क्या कम है? समझो मैंने तुम पर एहसान किया, वरना जो रसीदें तुमने दिखाई है उस नाम की कंपनियां कम से कम इस दुनिया में तो नहीं है। तो मियां, ये दूसरी दुनिया से लाए होंगे। लेकिन ये दूसरी दुनिया का अंडर गया कैसे होगा? आपने सुना नहीं? नहीं। शायर कहता है कि ए मेरे महबूब, मुद्दई लाख गुना चाहे तो क्या होता है, अरे वही छोटा है जो मंजूर है खुदाई जी होता है। लानत है तुम पर। ए, तेरे को बोलता है। थैंक यू। इतना बेवकूफ आदमी है, बैठ जाओ। हाँ, तो शायर कहता है कि ए मेरे महबूब, तू कहे तो तेरी मांग सितारों से भर। बताइए ये महबूब, ये ड्रामा मेहरबान कैसे कैसे, ये तो कंटिन्यूस इसके मेरे ख्याल 3-4 हज़ार शो हो चुके हैं और अचानक नहीं है, इन्होंने ग्रुप बनाया है। मेरा ग्रुप था ट्रिपल के, वो उनको उसने इन लोगों ने रिवाइव किया और ट्रिपल के इज कल के कलाकार, या कुछ लोगों ने कहा कादर के कलाकार, तो मैं वही ग्रुप इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने उस ग्रुप को दोबारा शुरू किया और मेरे ड्रामों को करेंगे उसमें। तो अगर कल हिम्मत हुई तो कुछ नए प्लेस भी लिखूंगा, मगर मैं हमेशा सोशल प्रॉब्लम पे लिखता हूँ। जैसे मैंने इससे पहले बड़ी देर की लिखा था, उससे पहले लोकल ट्रेन लिखा था, उससे पहले रफ्तार रही, अगर ये रफ्तार रही तो वो लिखा था, उससे पहले किसी का प्ले लिखा एडॉप्ट कर लेता था। वैसे हमने ये प्ले वी हैव डन, लेकिन हमने 2002 में भी किया ये प्ले। वी बीन डूइंग दिस प्ले एवरी ईयर, हम लोग पढ़ते हैं, मतलब हम लोग डैडी के अलग अलग प्लेस के साथ, क्योंकि जो इन्होंने 35 years पहले लिखे थे, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज तक सेम चीज़, ओनली द अमाउंट्स जो है पहले हज़ारों में थे, अभी करोड़ों में हो गए और उतनी चेंजेस हुए हैं। अब वो जाहिल का ऐसा हुआ कि उससे हमने रफली उसको प्लान कर दिया अमिताभ ने और मैंने, और सोचा कि नेक्स्ट मंथ से शुरू कर देंगे फिल्म को। तो उसने कहा अच्छा, तो आज काम ख़त्म होता है, यू गो टू बॉम्बे टुमारो एंड जाके परसों आ जाना। तो मैं गया बॉम्बे, बॉम्बे आया, अब आज मैं तैयारी कर रहा हूँ जाने की, इतने में फ़ोन आया अमिताभ के भाई का, अजिताभ का, कि डोंट गो टू बेंगलोर, दा इज नॉट वेल। मैंने क्या हुआ, कहता उनको शूटिंग में पंच लग गया है शायद, और उसके पेट में दर्द है। मैंने कहा चलो ठीक है। हम उसके बाद बॉम्बे गए, बॉम्बे कुछ काम था वो करके वापस आए, तो दूसरे दिन की टिकट बुक करने लगे, तो अजीत साहब का फिर फोन आया, उसने कहा डोंट गो, अजीत दा इज़ नॉट एट ऑल वेल, बहुत सीवियर पेन है उनको और वो नहीं आ पाएंगे और वो तुम्हारी शूटिंग नहीं कर पाएंगे। बोला क्या हुआ ऐसा,
मैं घबरा गया, मैं बेंगलोर गया, मैंने देखा कि ही वॉज शाउटिंग इन हेलुसिनेशन, गालियां बक रहा था और पता नहीं क्या क्या कर रहा था, और उनका ही हेड माइन्यूट ऑपरेशन क्या हुआ, उसके अंदर ब्लड जो है वो ब्लड पस में कन्वर्ट हो रहा था और पस जो है वो बह नहीं पा रहा था। हम लोग उनको लेके बॉम्बे आए बड़ी मुश्किल से, मैं मनमोहन देसाई और सर प्रकाश बेहरा पहुँचे वो, और पुनीत सर जिसकी वजह से अब जिसका पंच लगा या टेबल का कोना लगा गॉड नोज़।